बुजुर्ग आप आइए, कोई मसला होता है मार्केट पे आने में ये इस पत्थरों की वजह से और ट्रैफिक की वजह से? कौन और हमने जो है ना हत्ती बोर्ड लगाई मन के हत्ती लगाई, बच्चा खत्म हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। जब भी बात होती है पत्रकार की तो अपने आप ही हंसी आ जाती है, क्योंकि अब रिपोर्टिंग कम और कॉमेडी ज्यादा होने लगी है टीवी न्यूज चैनल्स पे। हर किसी को सबसे पहले आगे निकलना है और ऐसे में रिपोर्टर्स कई बार कुछ भी बकवास की न्यूज दिखाने लग जाते हैं। लेकिन आपने नोट किया होगा, जब इनसे कोई सवाल पूछ दे जिनका जवाब इनके पास न हो तो ऐसे में ये कहने लग जाते हैं कि आवाज नहीं आ रही है, आपको मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। खैर तो है देश दुनिया के रिपोर्टर्स का हाल, लेकिन इनमें से भी एक ऐसा देश है जहां अगर आपने रिपोर्टर्स को रिपोर्टिंग करते हुए देख लिया तो यकीन मानिए कि आप कपिल शर्मा का शो भी भूल जाओगे। जी हां, पाकिस्तान के रिपोर्टर्स को नहीं देखा तो क्या देखा? दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तानी रिपोर्टर्स के कुछ ऐसे ऐसे क्लिप्स दिखाने जा रहा हूं जिसे देखने के बाद आप लोटपोट होने वाले हो। बस दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि आप कम से कम इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान के उस लेजेंडरी रिपोर्टर से जिनको देखकर ही बजरंगी भाईजान फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उस रिपोर्टर का किरदार निभाया था। जी, आपको लगेगा कि ये बात झूठ है, लेकिन दोस्तों नहीं, ये बात 100% सच है। मिलिए इनसे, इन्होंने ही तो पाकिस्तान के रिपोर्टिंग का नाम सबसे पहले कॉमेडी में तब्दील किया था। ये देखिए दोस्तों, जब ये रिपोर्टिंग कर रहे थे तो ये अपने वाक्य को फिनिश ही नहीं कर पा रहे थे, और उसके बाद जो इनके साथ हुआ वो कोई कैसे भूल सकता है। ये देखिए कैसे कैसे हादसे हुए हैं इन अंकल जी के साथ। आपको याद हो ना हो, लेकिन याद कीजिए चांद नवाब का कैरेक्टर। अब क्या आपको याद आया कि कैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बजरंगी भाईजान फिल्म में कमाल के रिपोर्टर की एक्टिंग की थी? जी हाँ, ये वही है रियल चांद नवाब। अब आप ये देखिए कैसे इन्होंने पीटीसी मारने के लिए कम से कम 20 बार रीटेक्स किए हैं। वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों की आदत होती है अपने साथ साथ अपने देश की बेइज्जती करने की भी, ये भी उन्हीं में से एक है। कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरून मुल्क जा रहे हैं। कैमरामैन इस्माइल। कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरून मुल्क जा रहे हैं। ये देखिए, एक लाइन बोलने के लिए इन्होंने कम से कम 20 से 30 बार रीटेक्स लिए, लेकिन फिर भी ठीक तरीके से नहीं बोल पाए। ऐसे में दोस्तों अंत में हुआ क्या, इन्होंने वहां से आते जाते लोगों को ही गाली देना शुरू कर दिया। इन्हें अपनी गलती नहीं दिख रही है, ये जनाब नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ दिखाई दे रही है लोगों की गलतियां। क्या बात है, पाकिस्तान है भाई, यहाँ तो सब चलता है। वैसे ये ईद पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन आपको बता दूं जिस तरह से ये बार बार रीटेक्स लिए जा रहे हैं उसे देखकर लगता है कि वाकई में ये लोग ईद मना के वापस भी आ जाएंगे तब तक ये रिपोर्टिंग ही कर रहे होंगे, खत्म ही नहीं होगा। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के एक ऐसे रिपोर्टर की हालत जो कि खुद ही रिपोर्टिंग करते करते नाचने लगा। जी हाँ, इस बंदे को देख लीजिए। पहली बात तो ये कि ये कहीं से भी रिपोर्टर नहीं लगता, और दूसरी बात ये कि जैसे ये रिपोर्टिंग कर रहा है उससे पता चलता है कि ये रिपोर्टर कम और एक निचले स्तर का डांसर जरूर है। ये देखिए दोस्तों इस रिपोर्टर के डांस मूव्स। अरे भाई, अगर अच्छा डांस नहीं कर सकते तो कम से कम रिपोर्टिंग तो कर ही लेते, लेकिन इन्हें तो कुछ भी नहीं करना आता। ये देखिए ना कैसे बावलों की तरह डांस कर रहा है। आज तक क्या आपने कभी भी इस तरह के डांस करने वाले रिपोर्टर को देखा है क्या? ये पाकिस्तान है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आप सबका प्यार इसी तरह से हमारे ऊपर बना रहे यही हमारी एक दुआ है। हमारी टीम भी आपके लिए रोज नए नए वीडियोस बनाती है और खूब मेहनत करती है। ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि आप भी अपना प्यार इस वीडियो को जरूर दोगे, और कम से कम 30,000 लाइक्स की संख्या तो आएगी ही आएगी। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तान का एक और ऐसा रिपोर्टर जो कि है सबसे अलग। जी हाँ दोस्तों, बाढ़ कहाँ नहीं आती है, लेकिन बाढ़ में बह जाना ये रिपोर्टिंग करना कोई इन पाकिस्तानी रिपोर्टर से सीख है। ये देखिए दोस्तों कैसे जबरदस्ती पानी के अंदर जाकर घुस गए हैं और महान रिपोर्टर बनने का तमगा हासिल कर रहे हैं। खैर, ये भूल गए हैं कि इनके देश के पास इतने भी पैसे नहीं है कि कोई इनको कोई मेडल दे सके, लेकिन न जाने क्यों उड़ता हुआ तीर लेने की आदत से पड़ गई हमारे पड़ोसी मुल्क वालों को, है कि नहीं दोस्तों? अब आप ही बताइएगा कि इस तरह से पानी के अंदर घुसकर कौन रिपोर्टिंग करता है? वाकई में ये रिपोर्टर कम और सर्कस के जोकर ज्यादा नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, फटाफट कॉमेंट करके हमें जरूर बताइए। अब दोस्तों, एक और ऐसे ही दिल जले रिपोर्टर से आपको मिलवाते हैं। अगर आपने इस पागल की बातें सुन ली तो यकीन मानिए आपका हंस हंस के पेट में दर्द हो जाएगा। ये देखिए क्या कर रहे हैं ये जनाब। हालांकि अपने आप को ये रिपोर्टर कह रहे हैं, लेकिन रिपोर्टिंग से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर कहते हुए कि नाले का पानी पाकिस्तान ने छोड़ दिया है हिंदुस्तान के लिए, और हिंदुस्तान हो जाएगा अब खत्म। क्या बात है, ये आप देख रहे हैं कि ये मेरे पीछे आ गए। ये बहुत बड़ा बरसाती नाला जो जोश में आ रहा है भारत को तबाह करने के लिए, क्योंकि ये जो बरसाती नाला आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही बड़ा बरसाती नाला है जो सीधा इंडिया में जाकर ये तबाही मचाएगा। क्यों, मतलब ये दिन रात एक ही सपना देखते हैं कि हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान बड़ा अमीर देश बन जाएगा,
लेकिन हर सुबह उठते ही पता चलता है कि ये तो सपना ही था। यहाँ पर ये भाई साहब जो कि माइक ठीक तरीके से पकड़ नहीं पा रहे, वो ज्ञान दे रहे हैं कि इस पानी से हम हिंदुस्तान को तबाह कर देंगे। अबे भाई, पहले अपने सलवार का नारा तो टाइट करना सीख लो यार, वरना कहीं कोई चीनी तुम्हारी सलवार ने खींच दे यार, समझ ही गए होंगे आप। वाकई में ये रिपोर्टर नहीं बल्कि चोर लगते हैं, क्या पता हो भी। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड है चीन, चीन किसी का दोस्त तो नहीं हो सकता है। खैर है भी नहीं, लेकिन आपको बताते हैं हम अपनी इस वीडियो में कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया चीन की सरकार को गालियां दे रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर हम आपको सुनाते हैं कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया जोर जोर से चिल्ला रही है कि चीन ने चूना लगा दिया, मास्क के नाम पर अंडरगारमेंट्स के कपड़ों से बने मास्क बेच दिए। भाई जैसा दोस्त होगा वैसा ही तो करेगा, वो तो भला हो चीन का कि पाकिस्तान को अंडरगारमेंट्स के कपड़ों से बने मास्क भेजे, वरना इन पाकिस्तानियों के पास जितना दिमाग है भाई बच्चों के डायपर का भी मास्क भेज देते वो, और ये पहन भी लेते। ये सुनिए, आपको बड़ा मजा आने वाला है। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे, चाइना ने चूना लगा दिया N95 मास्क का कहकर सिंध हुकूमत को अंडरगारमेंट्स से बने मास्क दे दिए। पाकिस्तान को चीन ने चूना लगा दिया और मास्क के बदले में अंडरगारमेंट्स भेज दिए। वैसे पाकिस्तान के लोगों के बारे में एक बात बोल सकते हैं दोस्तों, कई बार ये बेचारे अपनी हरकतों के लिए पिट भी जाते हैं। अब क्या करें, काम ही कुछ ऐसा करते हैं ये। जी हाँ, आपको ये वीडियो हम पहले दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे एक महिला जो है वो बार बार कह रही है कि पुलिस वाला चोर है और इन्होंने कई महिलाओं को परेशान किया है। जी हाँ, देखिए कैसे इन्होंने एक पुलिस वाले पे मोर्चा खोल दिया है। लेकिन दोस्तों, चंद मिनटों बाद जो होगा बिल्कुल भी हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, ये बड़ा जोर का थप्पड़। भैया कुछ भी हो सकता है, कोई किसी को भी पीट देता है। वाकई में पाकिस्तान के लोगों को भी समझ आ गया कि हाथ में माइक लिए ये रिपोर्टर कोई और नहीं बल्कि हलवाई है। पाकिस्तान की बात ही सबसे अलग है, यहाँ फुद्दुओं के हाथ में देश दे देते हैं और महाफुद्दुओं के हाथ में माइक पकड़ा देते हैं। दोस्तों, जब पाकिस्तान है तो सब मुमकिन है। अब यहाँ यही देख लीजिए कि कैसे एक रिपोर्टर का मजाक बनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ पर कोई भी किसी को इज्जत नहीं देता, और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि बात तो 100% सच ही है। कमाल की बात है, ये देखिए कैसे एक रिपोर्टर बहुत परेशान हो गया और वो बोल रहा है अपने ऑफिस में कि यहाँ काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो लोग हैं वो उसका मजाक उड़ाते जा रहे हैं। अंत में जब रिपोर्टर ने गुस्से में आके कह दिया कि ये क्या बदतमीजी है, तो लोकल लोगों का जवाब भी सुनी लीजिए। बात अंडे वाला बर्गर, मुझे अंडे वाला बर्गर। यार क्या चोर बने, तमीज नहीं है आपको? तमीज, कमीज तो पहनी हुई। सुना आपने यहाँ के लोगों का जवाब, कह रहे हैं कि कमीज तो पहनी हुई है। ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान में रिपोर्टर्स की क्या इज्जत है। बात तो सही है, इज्जत मिले तो मिले भी कैसे भाई, ये खुद ही भीड़ की जेब काटने की हरकत करते हैं। जी हाँ, ऐसा हम नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि ये मीडिया वाले आ गए हैं, अपने पर्स को सुरक्षित रख लो, अपना अपना वॉलेट छुपा के रख लो। क्या बात है। दोस्तों, अब हम आपको एक और ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि क्या बात है, ये पाकिस्तान है और यहाँ तो सब चलता है। ये देखिए कैसे दो एंकर लाइव टीवी के सामने आपस में ही लड़ने लग गए। जी हाँ, ये देखिए कैसे आपस में ही एक दूसरे को भला बुरा कहने लग गए हैं। लगता है कि कोई जबरदस्त बात हुई है आपस में, हो सकता है कि वो जवान एंकर है और इन दोनों के बीच कुछ पर्सनल चल रहा हो। लेकिन अंत में देखिए कैसे ये टीवी पे आते ही लड़ने लग गए। ऐसे कहते हैं अपने साथ अपने देश की भी फजीहत करवाना। वैसे इस काम में पाकिस्तान के लोग माहिर हैं। जी हाँ, ये अपनी खूब बेइज्जती करवाते हैं, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। भाई तुम्हारा अगर कोई अपना मसला चल रहा है उसको मेरे साथ नहीं डिस्कस करो ना यार। तुम्हीं से मैंने कौन सी बदतमीजी की है? किस टोन में क्या बदतमीजी की है? जाहिर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं, हमें आपके कॉमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।